ये सेंटा कौन सा है भाई? What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. We try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? If there's no tomorrow, oh, you know. नमस्कार, वेलकम बैक। तो दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ मुंबई में, और मुंबई में हूँ तो मुंबई को एक्सप्लोर करना बनता है। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई के एक खास इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, मुंबई का दिल कह सकते हैं। और आज वैसे भी संडे हैं, तो मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए, लेट्स गो। ओके, तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूं नरीमन पॉइंट पर। नरीमन पॉइंट मुंबई का बहुत ही फेमस टूरिस्ट लोकेशन है। चर्च गेट जो लोकल जो ट्रेन है उससे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, और अगर आप सीएसटी से आते हैं तो तकरीबन ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप पैदल भी आते हैं तो आधा घंटा के करीब लगेगा नरीमन पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो फिलहाल मैं दिखाता हूँ नरीमन पॉइंट का एक व्यू। तो इस छोटे बच्चे के फेस पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ पेंटिंग्स हैं, भगवान गणपति जी हैं, और कुल मिला के जो मुंबई का जो कल्चर है वो यहाँ पर उकेरा गया है इस बच्चे के जो फेस पर। तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। ये नरीमन पॉइंट पर ही है ये भी। ये देखिए, ये समुद्र और छिपता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ इसका कुछ जो किनारा है समुद्र का वो भी दिखाई दे रहा है, लहरें आ रही हैं। हालांकि ये पानी जब थोड़ा सा और पीछे चला जाता है तो बीच बीच में पत्थर हैं वो दिखाई देने लगते हैं, तो थोड़ा सा साफ हो जाता है ये। अदरवाइज़ जब हाई टाइड आता है तो पानी यहाँ टच करता है और जो लहरें होती हैं आती हैं और यहाँ पर बैठने भी नहीं देती हैं। अभी तो काफ़ी पत्थर दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट राइट। देखिए, काफ़ी वाइड है ये। लोग मॉर्निंग में आते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, और काफ़ी भीड़ है। आज संडे है। तो
जो नरीमन पॉइंट है ये एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसके कोस्टल जो एरिया है उसमें काफ़ी आपको होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्स, बहुत सारे और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बहुत से मिलेंगे आपको। तो ये है खास रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा बाय द बे, ब्रेकफास्ट बाय द बे। आज संडे का लिखा है 9 से 11 टाइमिंग और रेट भी लिखा है 249 रुपीज़ पर हेड। तो इस जो रेस्टोरेंट है इसकी खासियत ये होती थी कि यहाँ पर एक स्लोगन डेली लिखा रहता था लॉकडाउन से पहले, आजकल तो नहीं है। यहाँ देखिए मराठी भाषा में भी लिखा है, कृपया मास्क चा वापर करावा, मास्क पहन लो भाई बचना है तो। नीचे भी लिखा है, जगह जगह लिखा है। ये देखिए ये कहाँ जा रहा है भाई, पास में ही ये एक और होटल है इंटरकॉन्टिनेंटल, काफ़ी बड़ा होटल है ये भी, लेकिन ट्राइडेंट से थोड़ा छोटा है। तो नरीमन पॉइंट पे जो मास्क नहीं पहनता है उनके लिए ये भाई साहब खड़े हैं, डू नॉट यूज़ मोबाइल, मास्क कंपलसरी। हाँ मास्क कंपलसरी है तो उनको फाइन लगा रहे हैं यहाँ पर। ओहो, चलता हुआ सेंटा क्लॉज वायलिन बजाता हुआ। तो नरीमन पॉइंट पर काफ़ी एक्टिविटी रहती है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ आती है यहाँ पर, और आज संडे भी है तो काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए और अपने फैमिली के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने आते हैं यहाँ पर। ये बस है टूरिस्ट बस, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो इस बस में यहाँ पर आकर घूम सकते हैं, मरीन ड्राइव का एक राउंड ले सकते हैं। तो नरीमन पॉइंट पर काफ़ी चहल पहल रहती है, जो अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये सेंटा कौन सा है भाई, तो फिलहाल एक सेंटा है, फिलहाल एक सेंटा आ रहा है, आप देखिए इसको, सिंगल टायर पर वायलिन बजाता हुआ सेंटा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ नेकलेस व्यू, ये देखिए अगर आप इसका पूरा एक राउंड लेते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ से वहाँ तक, वो लास्ट एंड है, तो पूरा एक नेकलेस व्यू बनता है यहाँ पर। रात में जब लाइटिंग होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये देखिए छिपता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी। ये देखिए ये मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बोर्ड हैं, इसके उस तरफ ये पाथवे है, इसको आधा कर दिया गया है, लोगों के लिए काम चल रहा है फिलहाल कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। यहाँ पर गाड़ी सीधा यहाँ उतरेगी आपकी। फिलहाल यहाँ देखिए एक टीम खड़ी है यहाँ पर, जो इसने मास्क नहीं पहना है उसका फाइन काटने के लिए ये टीम है। तो मास्क नहीं लगाने का जो फाइन है वो हाथों हाथ काट देते हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर भी, तो चलते हैं अभी आगे गिरगांव चौपाटी की ओर।